हेलो माय डियर फ्रेंड्स, हेलो ऑल स्टूडेंट्स, कैसे हो बच्चों। मैं फिजिक्स गुरुजी वाड़िया सर, ब्रह्मास्त्र सीरीज़ का लेक्चर नंबर 8 है ये, इलेक्ट्रिसिटी का। अच्छा, अभी लास्ट लेक्चर में मैंने स्टडी नोट्स आपको प्रोवाइड किए थे, जैसा कि मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दिया था और आपको कवर पेज में भी दिख रहा होगा, है ना। तो वो नोट्स काफ़ी अच्छे लगे, बच्चों को पसंद आ रहे हैं, मुझे काफ़ी खुशी हुई। ठीक है, जल्द ही मैं इसका नोट्स का सेकंड पार्ट भी लेकर आऊँगा आपके लिए, जिसमें आपके कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स है, यानी कि लेक्चर 8 के आगे के नोट्स उसमें होंगे। ठीक है, जिसमें कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स है, कुछ न्यूमेरिकल्स हैं। पर एक रिक्वेस्ट मैं आपसे करता हूँ तब तक के लिए, भाई जब तक आपको नोट्स नहीं मिल जाते तब तक के लिए मैं एक रिक्वेस्ट आपसे करूँगा कि जो ये क्लास वर्क है, यानी कि जो आपको इस वीडियो के दौरान जो स्क्रीनशॉट मिलेंगे, जो स्लाइड्स मिलेंगी, आप उसका स्क्रीनशॉट लेकर एक रफ नोट्स आप अपने हिसाब से बना लें। यानी कि जो नोट्स हैं आपको मिल रहे हैं, स्टडी नोट्स, ये भी स्टडी नोट्स ही हैं आपके, बाकी एक मेरे द्वारा लिखे हुए नोट्स भी आपको मिलेंगे, सही, वो भी मैं आपको प्रोवाइड कर ही रहा हूँ। ठीक है, तो एक आप वो भी कंप्लीट करें ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर अपने पास ज़रूर रखें, तो ये भी आपको काफ़ी हेल्प करेगा। ठीक है, और ये ब्रह्मास्त्र जैसे कि आपको पता है, बोर्ड क्लास के लिए, जो 10th बोर्ड का एग्ज़ाम बच्चा देने वाला है, अपकमिंग एग्ज़ाम जो देने वाला है, उसके लिए सीरीज़ काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाली है। इसमें मैं फिजिक्स में ज़ीरो से हीरो बनाने के लिए ये सीरीज़ बनाई गई है, जो आपके एग्ज़ाम में ब्रह्मास्त्र की तरह काम आएगी और ये आपके रिज़ल्ट को काफ़ी हद तक इम्प्रूव कर सकती है। आप इस वीडियो को रिपीट रिपीट करके बार बार देख सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को आप ये वीडियो शेयर करें। ठीक है, और मुझे अभी लास्ट कुछ कमेंट्स मिले थे जिसमें बच्चे मैग्नेटिक इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के वीडियोस का बात कर रहे थे, तो मैं जल्द ही उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा। ये चैप्टर अपना पूरा हो जाए इसके बाद अपने लगभग 4-5 लेक्चर मुझे और लगेंगे अभी इसमें, 4-5 लेक्चर के बाद ये चैप्टर कम्प्लीट हो जाएगा, उसके बाद अपन मैग्नेटिज्म ही स्टार्ट करने वाले हैं, है ना। जल्द ही मैं आपको इसमें सारे चैप्टर्स लेकर आऊँगा, जो जो चैप्टर्स हैं, जिसमें मुझे एनिमेशन की ज़रूरत होगी वहाँ पर मैं आपको एनिमेशन भी दिखाऊंगा, जिसमें मुझे सिमुलेशन की ज़रूरत होगी वहाँ मैं आपको सिमुलेशन वीडियो भी दिखाऊंगा। ठीक है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। चलिए, अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। इसके पहले, आपने अगर अभी तक मेरी वीडियो नहीं देखी है, मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर करें। और जो बच्चे नए जुड़े हैं सीरीज़ में, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा पहले आप जो बाकी के लेक्चर्स हैं वो आप देख लें, ताकि ये लेक्चर्स आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक रजिस्टर्स की, यानी कि हम इलेक्ट्रिक रजिस्टर्स के कॉम्बिनेशन की हम इसमें बात करने वाले हैं कि किस किस तरह से हम इलेक्ट्रिक रजिस्टर्स को कम्बाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहला तो हम बात करते हैं यहाँ पर कॉम्बिनेशन की नीड क्या है हमारे पास, यानी कि सबसे पहला पॉइंट जो है हमारे पास वो है इसकी नीड, यानी कि हमें कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स की नीड क्या है, क्या ज़रूरत पड़ती है हमें रजिस्टर्स को कंबाइन करने की। तो आप ऐसा समझ सकते हो, जैसे सपोज़ मान के चलो हम कोई इलेक्ट्रिक सर्किट बना रहे हैं, है ना। सबसे पहला पॉइंट हमारे पास यही है कि हमें इसकी नीड को समझना है, यानी कि इसकी नीड क्या होती है मुझे सबसे पहले ये समझना है। अब आप ऐसा समझो, जैसे मान के चलो मेरे पास कोई सर्किट मुझे बनाना है, ये मेरे पास कोई एक डिवाइस है या कोई अपरेटस मुझे बनाना है इलेक्ट्रॉनिक। अब इसके अंदर मेरी जो रिक्वायरमेंट है रजिस्टर्स की, ठीक है, ये रिक्वायरमेंट जो है मेरे पास मानो वो 10 ओम की है। कितने ओम की रिक्वायरमेंट है मेरे पास? 10 ओम की। अब 10 ओम की मेरी रिक्वायरमेंट है, लेकिन जब मैं मार्केट में जाता हूँ तो मार्केट वाला कहता है कि भैया 10 ओम का तो नहीं है मेरे पास, 2 ओम का मिल जाएगा, 5 ओम का मिल जाएगा, 8 ओम का मिल जाएगा, 12 ओम का मिल जाएगा, 15 ओम का मिल जाएगा, पर 10 का नहीं है। ठीक है, अब हमने कहा कि नहीं भैया, हमारी रिक्वायरमेंट तो 10 ओम की ही है, लेकिन उसने कहा नहीं, मेरे पास है ही नहीं अवेलेबल, मेरे पास तो 2 ओम है, 5 ओम है, 8 ओम है, 15 ओम है, है ना, अवेलेबल यही है फ़िलहाल, अगर इनमें से कुछ चाहिए हो तो बताओ। तो उसने कहा, मतलब हमने कहा कि देखो भैया, हमारी रिक्वायरमेंट के आधार पर तो आपके पास है ही नहीं। तो दुकानदार बोलता है ऐसा करो, 5-5 के 2 ले लो, हो जाएगा आपका काम, या ऐसा करो एक 8 ओम का ले लो और एक 2 ओम का ले लो, हो जाएगा आपका काम।
या 2 2 के 5 ले लो, आपका काम वैसे भी हो जाएगा। तो आपको 10 ओम बनाना है, तो उसने मुझे एक सजेशन दिया कि ऐसा करो 5 5 के 2 ले जाओ, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, जो हमारे पास अवेलेबल रेजिस्टेंस थे 5 ओम और 5 ओम को कंबाइन करके हमने क्या बना लिया, 10 बना लिया। ठीक है, अब सपोज मान के चलो हमारे पास ऐसा केस होता कि मेरे पास 10 ओम की रिक्वायरमेंट थी, लेकिन मार्केट में जो अवेलेबल है वो 30 ओम है, 20 ओम है, ठीक है, 15 ओम है। अब एक सिचुएशन ये है कि हम कम वाला ले लें, उनको जोड़ दें किसी तरह से और 10 बना लें, एक तो हमारे पास ये चॉइस है। दूसरी केस क्या बना कि हमारे पास 10 ओम चाहिए, लेकिन जो अवेलेबल है वो 10 से ज़्यादा वाले हैं, 20 वाले भी हैं, 15 वाले भी हैं, 30 वाले भी हैं। तो अब हमें क्या करना है, तो हमें 20 से मान के चलो 10 बनाना है, तो उसने कहा ऐसा करो 20 का आधा कर देना, 10 बन जाएगा, है ना, या 30 को 3 से डिवाइड कर देना, 10 बन जाएगा। तो उसने मुझे एक आइडिया दिया कि यार ऐसा करो 10 ओम, तो आपको 10 ओम चाहिए और मेरे पास 10 ओम नहीं है, 20 ओम है, तो ऐसा करो 20 का आधा कर देना, 10 बन जाएगा। अब मैंने कहा कि भाई 20 का आधा कैसे कर दूं, है ना, उसके लिए मेरे पास कोई तरीका तो होना चाहिए, 20 का हाफ़ करने के लिए मेरे पास कोई मेथड तो होना चाहिए। तो इसलिए हमें क्या ज़रूरत पड़ी, हमें कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स की ज़रूरत पड़ी, यानी कि मुझे वो तरीका ढूंढना था कि मैं 20 का हाफ़ कैसे करूं, 30 को 3 से डिवाइड कैसे करूं, ये तरीका मुझे ढूंढना था। ठीक है, मुझे इसका मेथड ढूंढना था कि मैं इसको कैसे कर सकता हूं। तो ये हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स की नीड है, यानी कि जब हमारे पास जो रिक्वायर्ड रेजिस्टेंस हमें चाहिए होता है और वो अवेलेबल ना हो या वो हम नहीं बना पा रहे, तो जो अवेलेबल रजिस्टर्स होते हैं उसी को हम यूज़ करते हैं, और उसको किसी न किसी कॉम्बिनेशन को यूज़ करके हम क्या बनाते हैं, हमारा रिक्वायरमेंट रजिस्टर्स को हम फॉर्म करते हैं। तो वी हैव 2 टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। तो अगर मैं कॉम्बिनेशंस ऑफ रजिस्टर्स की बात करूं, तो मेरे पास 2 टाइप का कॉम्बिनेशन है, सीरीज, पैरेलल, एक और होता है हमारे पास जिसे हम बोलते हैं मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। मिक्स्ड कॉम्बिनेशन में हमारे पास क्या होता है, सीरीज प्लस पैरेलल, इसमें दोनों का कॉम्बिनेशन मिक्स होता है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन भी हमारे पास है, पैरेलल कॉम्बिनेशन भी हमारे पास है, और मिक्स्ड कॉम्बिनेशन भी हमारे पास है। अब सबसे पहले मैं बात करूं सीरीज कॉम्बिनेशन की, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में हम क्या करते हैं, यहाँ पे मैं कलर चेंज करता हूँ उसका, सीरीज कॉम्बिनेशन का। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में हमारे पास रजिस्टर्स क्या होते हैं, एक लाइन में जुड़े होते हैं, यानी कि एक सीरीज में जुड़े होते हैं। तो इसमें हम कह सकते हैं रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन लाइन। अब ये क्या फॉर्मेट होता है ये भी आपको वक्त के साथ जैसे जैसे अपन आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे इसके बारे में पता लगना लगेगा। सीरीज़ को यूज़ कब करना होता है हमें, जब हमारी रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो और अवेलेबल जो रजिस्टर है वो कम हो, यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं रजिस्टेंस को अगर इंक्रीज करना है तो हम इसे यूज़ करेंगे। जैसे 2 ओम से 10 ओम बनाना है तो सीरीज़ को यूज़ कर सकते हैं, 5 ओम से 10 ओम को बनाना है तो सीरीज़ को यूज़ कर सकते हैं, है ना, कम से ज़्यादा में जाना है तो सीरीज़ कॉम्बिनेशन को आप यूज़ कर सकते हो। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, इसमें रजिस्टर जो हैं वो पैरेलली कनेक्ट होते हैं, पैरेलल मतलब एक के सामने एक फिर उसके सामने एक, इस तरह से। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमारे रजिस्टर जो हैं वो पैरेलल में जुड़ते हैं, लाइन में नहीं जुड़ते, पैरेलल में जुड़ेंगे। अब कैसे वो भी बताएंगे आपको, जैसे ये एक रजिस्टर हो गया, इसके पैरेलल में दूसरा रजिस्टर कनेक्ट हो गया, इसके पैरेलल में तीसरा कनेक्ट हो गया। इसमें क्या होता है, हमारा जो रेजिस्टेंस है
वो कम होता है। कम होने का मतलब जैसे मेरे पास मान के चलो 20 ओम है, उससे मुझे 10 बनाना है, 30 ओम है उससे 10 बनाना है, 15 ओम है उससे 10 बनाना है। यानी कि अगर मेरी रिक्वायरमेंट कम है लेकिन अवेलेबल रेजिस्टर ज़्यादा है तो हम पैरेलल कॉम्बिनेशन को यूज़ करते हैं। लास्ट जो हमारे पास है दैट इज़ मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। मिक्स कॉम्बिनेशन में क्या होता है हमारे पास, जिसमें सीरीज पर पैरेलल दोनों होते हैं, तो ये हमारी रिक्वायरमेंट के आधार पर होता है। 8 डिपेंड्स ऑन रिक्वायरमेंट, हमारी नीड के आधार पर हम डिसाइड करते हैं कि मुझे कितने सीरीज में जोड़ने हैं, कितने पैरेलल में जोड़ने हैं। तो मिक्स कॉम्बिनेशन सीरीज और पैरेलल को बनाकर बनाया जाता है। अब इसी के आधार पर हमारे न्यूमेरिकल भी बनते हैं। तो वन बाय वन अपन सारे कॉम्बिनेशन को पढ़ेंगे, पहले सीरीज फिर पैरेलल, और फिर इसके अगले वाले लेक्चर में मैं इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स लेकर आऊँगा। एक दो न्यूमेरिकल मैं इसमें भी कराऊँगा और कुछ न्यूमेरिकल्स अपन इसके बाद भी करेंगे, सर्किट वाले न्यूमेरिकल भी अपन करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन की। तो नंबर वन कॉम्बिनेशन जो मेरे पास है, तो ये नंबर वन कॉम्बिनेशन मेरे पास आ गया, सीरीज कॉम्बिनेशन। अब सीरीज कॉम्बिनेशन का मतलब हो गया हमारा रजिस्टर जो है वो लाइन में कनेक्टेड है। एक लाइन में जैसे मान के चलो, हम ऐसा मान लेते हैं कि हमारे पास ये रजिस्टर वन है, ये रजिस्टर टू है और ये रजिस्टर थ्री है, आर वन आर टू आर थ्री। अब इसको मैं थोड़ा सा आपको रजिस्टर की तरह बनाता हूँ, सर्किट को जोड़कर भी बनाता हूँ। तो हमारे पास यहाँ पर तीन रजिस्टर है, तीनों को मैं अलग अलग कलर से बना रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। ये मेरे पास रजिस्टर वन है, ठीक है, ये मेरे पास रजिस्टर टू है और ये मेरे पास रजिस्टर थ्री है। तीन रजिस्टर्स हैं अलग अलग कलर के हैं और ये कनेक्टेड हैं किससे, किसी बैटरी से। तो ये हमारे पास बैटरी हो गई, ठीक है। मान लेता हूँ बैटरी हमारे पास कितने वोल्ट की है, 20 वोल्ट की, ठीक है। अब इसके साथ एक स्विच भी हम कनेक्ट कर देंगे ऑन ऑफ करने के लिए। अब देखो कनेक्शन हमें किस तरह से करने हैं इसके, तो कनेक्शन के लिए हम यहाँ पर कौन सा कलर लें, ये ले लेते हैं, सेम कलर ले लेते हैं। कनेक्शन के लिए हम यहाँ पर देखो, तो हम सबसे पहले ये वन है इसका पार्ट, ये टू है, ये वन है ये टू है, ये वन है ये टू है। तो पहले का वन मतलब ऐसे कह सकते हैं सेकेंड को कनेक्ट करेंगे वन से, सेकेंड को कनेक्ट करेंगे वन से, और फिर ये सेकेंड को कनेक्ट करेंगे हम इधर बैटरी के नेगेटिव से, और इस वाले सेकेंड को हम कनेक्ट करेंगे बैटरी के पॉजिटिव से। तो ये वाला एंड हमारे पास पॉजिटिव एंड हो गया, ये हमारे पास नेगेटिव एंड हो गया। जैसे आप सर्किट को ऑन करोगे करंट फ्लो होने लगेगी आई, ठीक है, यहाँ पे भी करंट फ्लो होने लगेगी दैट इज़ आई, ठीक है। और ये करंट इन तीनों रजिस्टर्स में होके पास होगी। तो ध्यान रहे इन सीरीज कॉम्बिनेशन वी कैन से दैट, तो इन सीरीज इलेक्ट्रिक करंट इन ऑल रजिस्टर्स रिमेन सेम। इलेक्ट्रिक करंट सभी रजिस्टर्स में क्या रहेगी, सेम रहेगी। यानी कि जितनी करंट आर वन में जाएगी उतनी ही करंट आर टू में जाएगी, उतनी ही आर थ्री में जाएगी। तो ये बात हमें ध्यान रखना है कि करंट सेम रहती है हमारी, है ना। सेकंड चीज, अगर मैं बात करूँ पोटेंशियल डिफरेंस की, तो पोटेंशियल डिफरेंस अगर मान के चलो यहाँ पर V है, तो ये V तीनों को अलग अलग मिलेगा,
इसको वी वन मिला मानो, इसको वी टू मानो, इसको वी थ्री। तो यहाँ पर ध्यान रहे हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड्स अक्रॉस रजिस्टर्स। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड हो जाएगा, मतलब वोल्टेज डिवाइड होगी, करंट सेम रहेगी। तो ये हमें सीरीज में ध्यान रखना है। अब ध्यान दो, अगर मैं वी वन को कैलकुलेट करूं यहाँ पर, तो वी वन मेरे पास क्या हो जाएगा, आई करंट इनटू रजिस्टर आर वन। वी टू की वैल्यू अगर मैं निकालूं तो क्या हो जाएगा, आई आर टू। वी थ्री की वैल्यू निकालूं तो क्या हो जाएगा, आई आर थ्री। कैसे लिखा मैंने ये, बाय यूजिंग ओम्स लॉ, जो कि हमारे पास क्या होता है, V इज इक्वल टू आई आर होता है। तो ओम्स लॉ को यूज़ करके मैंने I इंटू आर वन, आई इंटू आर टू और I इंटू आर थ्री। टोटल वोल्टेज की मैं बात करूं, अगर टोटल पोटेंशियल डिफरेंस मेरे पास क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3। तो V की वैल्यू मेरे पास कितना आ गया, V1 प्लस V2 प्लस V3। अब ये V कैसे निकालेंगे हम, तो हम यहाँ पर एक इक्विवेलेंट सर्किट बनाएंगे, क्या इन तीनों को मिलाकर एक रजिस्टर बना देंगे R इक्विवेलेंट करके, जिसको कनेक्ट किया गया है सेम बैटरी से। ये V वोल्ट करंट वही आई और इसके अक्रॉस जो वोल्टेज आएगी वो V आएगी। तो ये जो सर्किट है हमारे पास, इसे हम बोलेंगे इक्विवेलेंट सर्किट। इक्विवेलेंट सर्किट का मतलब क्या हो गया, यानी कि इन तीनों रजिस्टर्स को मिलाकर हम एक रजिस्टर बना सकते हैं, यानी कि इन तीनों को मिलाकर जो रजिस्टर, जैसे मान के चलो ये 2 ओम 2 ओम 2 ओम, तीनों को मिला के हम क्या बनाना चाह रहे थे, वो हमारा आर इक्विवेलेंट है। यानी कि आर वन आर टू आर थ्री क्या है, जो मार्केट में अवेलेबल थे, और आर इक्विवेलेंट क्या है, जो हमें बनाना था, जो हमारी रिक्वायरमेंट थी, यानी कि 10 ओम, है ना। तो हम यहाँ पर देखो, V की वैल्यू अगर आप इस लॉस इस सर्किट से निकालोगे तो V की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, I R इक्विवेलेंट। ये मेरे पास इक्वेशन 4 हो जाएगी, ये 1, ये 2, ये 3। अब यहाँ पर वैल्यू पुट करो, तो V की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी V1 प्लस V2 प्लस V3। तो I R इक्विवेलेंट ये मेरा हो जाएगा I R1 आई आर टू आई आर थ्री। तो आई एल्शियम आएगा यहाँ पर, मतलब बाहर आ जाएगा, तो आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री, आई से आई कट जाएगा मेरे पास। तो आर इक्विवेलेंट मेरे पास क्या आ गया, आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। अब सोच के देखो, इफ एन रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, देन अगर n रजिस्टर्स सीरीज में कनेक्टेड हो, देन R इक्विवेलेंट मेरे पास क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड प्लस Rn। अगर n रजिस्टर्स कनेक्टेड होंगे तो जोड़ देंगे उसको n टाइम्स तक, है ना। अब अगर सपोज हमारे पास f r1 r2 r3 rn सबकी वैल्यू सेम हो, तो इस केस में हमारे पास देन r इक्विवेलेंट मेरे पास कितना हो जाएगा, n इंटू r। अगर सारे रजिस्टर्स इक्वल हैं तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो हमारे पास एक फॉर्मूला तो ये हो गया सीरीज कॉम्बिनेशन में। अभी अपन न्यूमेरिकल्स करेंगे तो आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा ये, है ना। इसमें अगर अपने पास नहीं हो पाएंगे न्यूमेरिकल तो नेक्स्ट क्लास में अपन न्यूमेरिकल डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो न्यूमेरिकल के लिए घबराना नहीं है। तो हमें एक फॉर्मूला ध्यान रखना है कि सीरीज़ में रजिस्टर जो है हमारे वो ऐड हो जाएंगे। अब मैंने आपको एक बार बताई थी कि सीरीज़ में हमारा क्या सेम रहता है, करंट सेम रहता है, क्या डिवाइड होता है, वोल्टेज।
अब वोल्टेज को कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, तो यहाँ पर एक ब्रह्मास्त्र मैं आपको दे रहा हूँ। ब्रह्मास्त्र क्या है? वोल्टेज डिवीजन रूल। भाई ब्रह्मास्त्र सीरीज है तो एक ब्रह्मास्त्र मैं आपको दे रहा हूँ, इसको लगाने का तरीका भी मैं आपको बताऊंगा कि इसको कब लगाना है। वोल्टेज डिवीजन रूल। वोल्टेज डिवीजन रूल क्या बताएगा कि हम R1, R2 और R3 के अक्रॉस जो वोल्टेज हमने निकाली है V1, V2 और V3, इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो हम वोल्टेज डिवीजन रूल से करेंगे। अब वो रूल क्या होता है वो देखो भाई, हमें पता है V इज इक्वल टू क्या होता है हमारा IR होता है, तो हम कह सकते हैं वोल्टेज प्रोपोर्शनल टू R है। अब ध्यान रहे इसमें लिमिटेशंस हैं। लिमिटेशंस क्या हैं? इट इज एप्लीकेबल फॉर ओनली टू रजिस्टर्स, यानी कि दो रजिस्टर के लिए ही एप्लीकेबल है। तो दो रजिस्टर के केस में आप इसको लगा सकते हो, दो से ज़्यादा में ये नहीं लगेगा। अब क्या है ये रूल देखो, अगर मुझे दो रजिस्टर दिए हो, V1 निकालना हो, यानी कि R1 के अक्रॉस, मैं सर्किट ही बनाता हूँ इधर साइड में, जैसे मान के चलो मेरे पास दो रजिस्टर दिए हुए हैं R1 और R2, और इसके अक्रॉस वोल्टेज लगाई हुई है V, तो इसमें वोल्टेज V1 और V2 ये कैसे निकालोगे आप? तो V1 हमारे पास हो जाएगा, देखो सिंपल सी बात है, R1 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू V। V2 मेरे पास हो जाएगा R2 R1 प्लस R2 इंटू V। अब ये क्या चीज़ है, इसके फ़ायदे क्या हैं, इसके नुकसान क्या हैं, ये सारी चीज़ें आपको न्यूमेरिकल से समझ में आएंगी। अभी हो सकता है आपको मेरी बातें समझ में थोड़ी कम कम आए, लेकिन जब आप इसको न्यूमेरिकल में यूज़ करोगे तब ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। सो डोंट वरी अबाउट इट। फिलहाल आपको क्या समझना है, सिर्फ ये सोचो कि वोल्टेज डिवीजन रूल ब्रह्मास्त्र है। अब इसको ब्रह्मास्त्र की तरह कैसे काम में लेना है ये मैं आपको अभी आगे सिखा दूंगा। जब अपन न्यूमेरिकल करेंगे तब मैं आपको बता दूंगा कि इसको ब्रह्मास्त्र की तरह कैसे काम में लेना है, ये किस तरह से आपका टाइम बचा सकता है, कहाँ काम आएगा कहाँ नहीं आएगा ये न्यूमेरिकल से पता लगेगा। पर फिलहाल इतना ध्यान रखना है कि ये वास्तव में ब्रह्मास्त्र है। अब आगे बढ़ते हैं हम, सेकंड कॉम्बिनेशन जो हमारे पास था दैट इज पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन हमारे पास क्या होता है, जिसमें हमारे रजिस्टर जो हैं वो एक दूसरे के पैरेलल में कनेक्ट होते हैं। पैरेलल का मतलब समझते हो, आगे पीछे, ठीक है, जस्ट एक लाइन में, मतलब लाइन में तो नहीं, ऐसे बोल सकते हो। सीरीज कॉम्बिनेशन का मतलब आपकी रो एक तरह से, और पैरेलल कॉम्बिनेशन जो आपके सामने आमने सामने जो खड़े होते हैं, दैट इज़ पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो इसमें ये मेरे पास R1 हो गया, ये मेरे पास R2 हो गया, ये वोल्टेज लगाई V, ये वोल्टेज लगाई V, इसको भी वोल्टेज मिलेगी भी। अब मान के चलो यहाँ से करंट फ्लो हुई I, अब ये करंट यहाँ पर आकर दो पार्ट में डिवाइड हो जाती, तो इसमें क्या होता है, करंट डिवाइड होती है, तो इसको करंट मिलेगी I1 और इसको करंट मिली I2। तो ध्यान रहे इन पैरेलल कॉम्बिनेशन I जो है ये आपका डिवाइड होता है एंड वोल्टेज जो है वो सेम रहता है। अब ये बात आपको ध्यान रखनी है, इसमें क्या डिवाइड होगा, करंट डिवाइड होगा। अब दिख भी रहा है क्योंकि करंट के पास दो रास्ते हैं, एक इधर जा सकता है एक इधर जा सकता है, जबकि उसमें क्या था, करंट के पास एक ही रास्ता था। देखो आप, इसमें हमारे पास करंट के पास एक ही चॉइस थी, है ना, कोई रास्ता था ही नहीं डिवाइड होने के लिए। इसमें पास इस वाले के इसमें हमारे पास रास्ता है डिवाइड होने का, ठीक है।
अब ध्यान दो, अगर मैं करंट की वैल्यू निकालूं तो मुझे पता है आई वन की वैल्यू मेरे पास क्या हो जाएगी, वी अपॉन आर वन, क्योंकि हमें पता है वी इज इक्वल टू हमारा क्या होता है आई आर, तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी वी बाई आर बाय यूजिंग ओम्स लॉ। ओम्स लॉ को यूज़ करके अगर मैं वैल्यू कैलकुलेट करूँ तो आई वन मेरे पास क्या हो जाएगा वी अपॉन आर वन, इसी तरह से आर टू मेरे पास क्या हो जाएगा वी अपॉन आर टू, टोटल करंट मेरे पास आई जो है वो क्या हो जाएगी आई वन प्लस। अब देखो प्रोसीजर सिंपल है, हमने ओम्स लॉ लगाया, करंट डिवाइड हुई तो दोनों की वैल्यू निकाल दी आई वन आई टू, वी अपॉन आर वन वी अपॉन आर टू। इसके पहले वाले केस में हमने क्या किया सीरीज में कौन डिवाइड हुआ था वोल्टेज, तो हमने वी वन वी टू निकाला, तो जो वैल्यू डिवाइड होगी उसी को लिखा जाएगा आई वन की वैल्यू वी अपॉन आर वन वी अपॉन आर टू। सेम वही इसमें भी इक्विवेलेंट सर्किट बनेगा हमारा, तो दोनों रजिस्टर्स को मिलाकर एक नया सर्किट बना दो, ये वही बैटरी हमारी जो पहले बैटरी लगाई थी हमने, वोल्टेज वी करंट आई, तो हम कह सकते हैं आई की वैल्यू मेरे पास कितना आ जाएगा वी अपॉन आर इक्विवेलेंट, तो यहाँ पर वैल्यू पुट करोगे वी अपॉन आर इक्विवेलेंट वी अपॉन आर वन वी अपॉन आर टू, तो वन अपॉन आर इक्विवेलेंट मेरे पास आ जाएगा वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर टू, वी 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 कट जाएगा, तो सीरीज़ कॉम्बिनेशन में हमारी वैल्यू बनती है वन अपॉन आर सॉरी आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। यहाँ पर अब सेम इसमें देखो हमारा वन अपॉन आर इक्विवेलेंट कितना आ गया वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर टू, यहाँ से अगर मैं आर इक्विवेलेंट को और सॉल्व करूँ तो एलसीएम आ जाएगा मेरे पास आर वन आर टू और ऊपर वैल्यू आ जाएगी आर वन प्लस आर टू, तो आर इक्विवेलेंट मेरा आ जाएगा आर वन आर टू अपॉन आर वन प्लस आर टू फॉर टू रजिस्टर्स, ठीक है। तो ये एक तो ये फॉर्मूला हो गया हमारा आर वन आर टू अपॉन आर वन प्लस आर टू, अगर एन रजिस्टर्स कनेक्टेड हो, इफ एन रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो इस केस में हमारे पास वन अपॉन आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू वन अपॉन आर वन वन अपॉन आर टू वन अपॉन आर थ्री एंड वन अपॉन आर एन, इफ आर वन आर टू आर थ्री आर एन तक इक्वल हो तो हमारा आर इक्विवेलेंट जो है वो आ जाता है आर बाई एन। अब ये कैसे यूज़ होगा, कब कब यूज़ होगा, कहाँ कहाँ यूज़ होगा, ये अपने को पता लगेगा किससे, न्यूमेरिकल से। अब ये तो एक डेरिवेशन है, हालांकि सीबीएसई बोर्ड में डेरिवेशन पूछे जाने के चांसेस कम हैं, मैं ये नहीं कहता कि डेरिवेशन नहीं आएगा मत पढ़ो, ऐसा नहीं कहूँगा, इट इज़ इम्पॉर्टेंट हमारे लिए, ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, ऑब्वियस ही बात है डेरिवेशन इम्पॉर्टेंट है, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ पूछे जाने के चांसेस कम हैं बट है, ओके। तो आपको ये डेरिवेशन प्रैक्टिस करने हैं, आप एक नहीं दो बार तीन बार देखो इसको, इस डेरिवेशन को आप बार बार देखोगे तो आपको चीज़ें समझ में आने लगेगी, फिर न्यूमेरिकल से सिखाने की जिम्मेदारी मेरी है, मैं इसके इतने न्यूमेरिकल आपको कराऊंगा कि आपको चीज़ें समझ में आने लगेगी। अब इसमें करंट डिवाइड हुई है इसलिए यहाँ पर कौन सा रूल लगेगा, तो यहाँ पर लगता है हमारा करंट डिविजन रूल, ठीक है, तो इसमें हमारे पास जो रूल लगता है दैट इज़ करंट डिविजन रूल। अब ये करंट डिवीजन रूल क्या है भाई, हमें पता है V इज इक्वल टू आई आर होता है मेरे पास, तो I की वैल्यू हमारा हो जाएगा V बाई आर, तो हम कह सकते हैं I इनवर्सली प्रोपोर्शनल है R के,
तो जब आप आई वन निकालेंगे तो वैल्यू अपोजिट हो जाएगी, ये आई वन हो जाएगा मेरे पास और आई टू के लिए मेरा आर वन आ जाएगा। अब ये कैसे बन रहा है, मैं क्यों लगा पा रहा हूँ इसको, इस चीज़ को समझने के लिए भी आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। इसको समझने के लिए भी आपको थोड़ा सा क्या रखना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा कि मैं ऐसा क्यों कर पा रहा हूँ। अब आज की वीडियो थोड़ी लंबी ना हो जाए इस वजह से मैं इस वीडियो को यहीं कर रहा हूँ फिनिश। आज की वीडियो में इतना ही, इसके जो न्यूमेरिकल्स हैं वो अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे बच्चों। अब मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे, इस वीडियो को आप 2 या 3 बार देखें, ठीक है, रिपीट कर करके देखें और इसके नोट्स खुद से बनाने की भी कोशिश करें। हालांकि इसके नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, जल्द ही प्रोवाइड करूंगा, सो डोंट वरी अबाउट इट। एक नोट्स मैं आपको दे चुका हूं, आप एक बार उन नोट्स को पढ़ें, ठीक है, और अपने द्वारा बनाए गए नोट्स उन्हें कंपेयर करें, ठीक है। ये नोट्स आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये जो नोट्स मैं बना रहा हूँ ये उस पैटर्न पे बना रहा हूँ कि आपको बोर्ड में कैसे लिखना है, ओके। इसमें कुछ सीबीएसई बोर्ड में आए हुए क्वेश्चंस भी मैं डाल रहा हूँ साथ में नोट्स में, तो ये आपके कंप्लीट स्टडी नोट्स हो गए, ठीक है। जैसा आप क्लासरूम में मिलते हैं आपको सेम वैसे ही नोट्स है, ठीक है। तो मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, जिससे हम इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस के कुछ क्वेश्चंस करेंगे, कुछ सर्किट के क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। आप चाहेंगे तो मैं इसके न्यूमेरिकल्स के ऊपर 2 वीडियो बना दूंगा, वैसे अब ज़्यादा वीडियो अपने को इसमें लगेगी नहीं, 10-12 लेक्चर्स इसमें होंगे टोटल, तो 8 पे अपन आ चुके हैं, तो 4-5 लेक्चर और होंगे, उसमें चैप्टर पूरा हो जाएगा, फिर अपन मैग्नेटिक इफेक्ट पे आएंगे। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक इसको शेयर करें, ताकि ये वीडियो ये सीरीज़ लगभग लगभग हर बच्चे तक पहुँच सके। मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, इसके आगे की सीरीज़ को, इसके आगे के लेक्चर्स को लेकर। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।